मैंने आपको कल एक वीडियो में ये बताया था कि जो इंडियन आइडल हैं इन इन जगहों पर होने वाले हैं उसके ग्राउंड ऑडिशंस, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए पहले, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। जो ये वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप इंडियन आइडल में जा रहे हैं, क्योंकि आज जैसा आपको पता है 8 जुलाई से ऑडिशन स्टार्ट हो जाएंगे अलग अलग प्लेसेस पे, और कौन कौन सी जगह पर होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, डेट टाइम वेन्यू जो भी होगा वो सब आपको बता दिया जाएगा। लेकिन कुछ कमेंट्स हैं आप लोगों के लिए, उन कमेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं कमेंट्स को चेक करता हूं तो मुझे पता चलता है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया कमेंट है वो यही है कि क्या हमें पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा उसके बाद ही ग्राउंड ऑडिशन के लिए जा सकते हैं, या फिर सीधा ग्राउंड ऑडिशन में जाएँ। तो इसका जो जवाब है गाइज वो यही है कि आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं करना, ना ही सोनी लिव ऐप के ऊपर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, और ना कहीं किसी अदर वेबसाइट पे। जो डेट आपको दी जाएगी कि भाई 8 जुलाई जयपुर पे है ऑडिशन, इस तरह से आपको डेट और टाइम और वेन्यूज दिए जाएंगे, उस जगह पर आपको जाकर अपना ऑडिशन देना है। उस जगह पर जाएंगे तो आपको फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा और उस फॉर्म को ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बोलेंगे। तो इस तरह से है, तो ये ग्राउंड ऑडिशन में सोनी लिव ऐप का कोई काम नहीं है। देखो गाइस अभी तक तो यही अपडेट है, लेकिन बाद में क्योंकि अभी 8 जुलाई आने में लगभग 8-9 दिन ही बच रहे हैं, तो 8-9 दिन के अंदर ये अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल देते हैं सोनी लिव ऐप के ऊपर तो कुछ इस बारे में अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी तक सोनी लिव या फिर किसी भी तरह से कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि आपको पहले सोनी लिव ऐप के ऊपर या फिर किसी भी वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा तभी आप ग्राउंड ऑडिशन में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको सीधा ग्राउंड ऑडिशन में पहुंचना है। दूसरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लोग इस तरह से पूछ रहे हैं, जैसे कि रांची में कहां पर होगा, पटना में कहां पर होगा, दिल्ली में कहां पर होगा, मुंबई में कहां पर होगा, या फिर जितने भी प्लेसेस हैं जहां पर ऑडिशंस हो रहे हैं इंडियन आइडल के, एग्जैक्ट प्लेसेस कहां पर हैं, कहां पर ऑडिशंस होंगे। तो अभी कोई ऑफिशियली नहीं आया, बट जैसा जैसे जैसे दिन पास आते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल अभी कोई भी अपडेट नहीं है, अभी कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि भाई कहाँ पर एग्जैक्ट प्लेसेस हैं या कहाँ पर वो जगह है जहाँ पर आपको पहुँचना है। तो आप इस चीज़ को समझिए, जब आएगा तो आपको सबसे पहले इस चैनल पे देखने को मिलेगा। वैसे तो मैं एक महीने पहले से ही आपको बताता आ रहा हूँ कि भाई ग्राउंड ऑडिशन में आपको कैसे जाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस टाइम आपको पहुंचना है, लेकिन अब लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि डेट पास आ गई है। ये एक एग्ज़ाम की तरह होता है, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं वैसे वैसे उस चीज़ पे फोकस बढ़ जाता है। तो ये कमेंट भी आया था, इन्होंने लिखा कि एक बार और बता दीजिए वीडियो के माध्यम से, तो मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझाने की। लेकिन इस वीडियो के अंदर भी आपको बोलना चाहूंगा कि जब भी आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए जाते हैं तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके जाइए। डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, क्योंकि आधार कार्ड में आपका एड्रेस, आपका नेम और सबसे बड़ी बात आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो आपको अपना आधार कार्ड तो लेकर जाना ही है। दूसरा, आपको 3 फोटोग्राफ्स जरूर लेके जाने हैं। हो सकता है कि आपको फॉर्म फिल कराया जाए तो उसमें फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़े, हालांकि ये कहीं ऑफिशियली लिखा हुआ नहीं कि आपको ये लेके ही जाना है, लेकिन जो मैं मुझे पता है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और एक बैग होगा आपके पास, उसमें अगर आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स रख लोगे तो क्या ही चला जाएगा। साथ ही आप सीजर और स्टैपलर और गम ले जा सकते हैं, क्योंकि फॉर्म फिल करने का अगर ऑप्शन आता है तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ गाइज आप अपना एक पेन लेके चलिए, क्योंकि कहीं साइन भी करना पड़ सकता है किसी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अगर पेन लेके नहीं जाओगे तो फिर रस्ते में या फिर जो और लोग आएंगे उनसे मांगोगे, वो थोड़ा सा अजीब लगता है, तो अपनी पूरी प्रिपरेशन करके जाइए। भाई गाइज आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि आपने कहीं सिंगिंग करी हुई है या फिर कोई बड़े कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, आपको सर्टिफिकेट मिले हैं, तो उन सर्टिफिकेट्स को भी आप बैग में रख सकते हैं। कुछ नहीं पता कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको प्रूफ करना पड़े अपना सिंगिंग, तो फिर वो चीज़ भी आपके पास होनी चाहिए। तो सिंगिंग से रिलेटेड आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके चलिए, एक बैग रखिए, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स रख के जाइए, काफ़ी सही रहेगा। ऐसे ही मत चले जाइए, क्योंकि देखो ये ऑडिशन प्रोसेस है, इसके अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट कब पड़ जाए कुछ पता नहीं होता, तो इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखिए।
बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई ऑनलाइन ऑडिशन अच्छे होते हैं या फिर ऑफलाइन। एक सिंगर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन ऑडिशन काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में आपको पता रहता है कि भाई आप क्यों रिजेक्ट हुए हैं या फिर आपने कहाँ गलती करी है। लेकिन ऑनलाइन में ये कन्फ्यूजन रहती है, पता नहीं हमारा फॉर्म गया है या नहीं गया है, सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर उन्होंने हमारी वीडियोस देखी हैं या फिर नहीं देखी हैं। इसलिए ऑफलाइन बेस्ट रहता है। आप लाइन में लगे हैं, आपका नंबर आया, आपने सिंगिंग करके दिखाई, आपको रिजेक्शन मिला, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया कि भाई कहाँ गलती है, शो में गलती है या फिर आपके अंदर गलती है, ये सब कुछ आपको ऑफलाइन समझ में आ जाता है। तो ऑफलाइन मेरे हिसाब से काफ़ी सही रहते हैं। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है ऑफलाइन में, लेकिन जो रियलिटी है वो आपके सामने आ जाती है। एक क्वेश्चन आपने बहुत पूछा है, जैसे आपको हिंदी सिंगिंग नहीं आती, आप इंग्लिश करते हैं, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी, पंजाबी, इस तरह की आप सिंगिंग करते हैं, इस लैंग्वेज में आप सिंगिंग करते हैं, तो फिर आपके क्वेश्चन ये है कि भाई क्या हमको हिंदी में ही सिंगिंग करनी पड़ेगी या फिर हम इन अदर जो लैंग्वेजेस हैं इनमें भी सिंगिंग कर सकते हैं। देखो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, जैसे कि अभी सुपर स्टार सिंगर चल रहा है, इसके अंदर जो प्रांजल विश्वास है, इनको हिंदी सिंगिंग भी आती है और शायद इनको बंगाली सिंगिंग भी आती है, लेकिन ये हिंदी सिंगिंग ही करती है, क्योंकि जो इंडियन आइडल है ये कोई इंडियन आइडल मराठी नहीं है, ना ही इंडियन आइडल तेलुगु है, और भी बहुत सारे इंडियन आइडल्स होते हैं जो एक अलग लैंग्वेज के ऊपर किए जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन आइडल है, तो इसके अंदर आपको हिंदी सिंगिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है और वो पूरे हमारे देश में चलती है, उसको हर कोई समझ सकता है, तो इसीलिए आपको हिंदी सिंगिंग ही करनी पड़ेगी। तो गाइज ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आपको हिंदी सॉन्ग ही करना पड़ेगा। आपको अगर तेलुगु, मराठी, मलयालम या भोजपुरी कोई अदर सिंगिंग आती है तो फिर उसके लिए आप उन सोर्स को चूज कर सकते हैं। देखो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ऑनलाइन ऑडिशन नहीं होंगे, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऑनलाइन ऑडिशंस हुए कब? ऑनलाइन ऑडिशन कभी नहीं हुए, सिर्फ कोविड के अंदर हुए थे, और उससे पहले कभी भी ना ही ऑनलाइन ऑडिशंस हुए थे ना ही होते आएंगे, बिकॉज कोविड की वजह से कोई जा नहीं सकता था, इसीलिए ऑनलाइन ऑडिशंस हुए थे। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन हर बार हुए हैं, इस बार भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होने की संभावनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको समझनी है कि ऑडिशंस अलग होते हैं, रजिस्ट्रेशन अलग होते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप ऑडिशंस के लिए जा सकते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आप मिक्स बिल्कुल भी मत करिए। अभी जो ग्राउंड ऑडिशंस के लिए ये बोल रहे हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके ग्राउंड में ही हो जाएंगे, तो अब रजिस्ट्रेशन का भी कोई झंझट नहीं है, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं ये उनके लिए है ये बात, बाकी ये बात सबको ही पता है कि रजिस्ट्रेशन और ऑडिशंस में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। जाते जाते आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप जब भी ऑडिशन के लिए जाते हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि आप एक सिंगर हैं, आप सिंगिंग उनको दिखाने जा रहे हैं, ये आपको नहीं सोचना। हालांकि आप सिंगर ही हैं, लेकिन आपको स्टेज पे ये बात नहीं देखनी। आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है, उनको ये प्रूफ कराना है कि आप इंडियन आइडल के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि इंडियन आइडल में आप किस तरह से अपनी पहचान बना सकते हैं, किस तरह से उस शो को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आपकी वजह से इंडियन आइडल को देखा जाए, ये चीज़ आपको उधर प्रूफ करनी है। चाहे वो आप सिंगिंग के दम पे करें, अपनी पर्सनैलिटी के दम पे करें, अपनी बातें, कॉमेडी या किसी के भी दम पे करें, आपको इसी तरह से उधर अपनी छाप छोड़ के आनी है। तो आप देख लीजिए कि आपके अंदर क्या है जो सबसे अच्छा है और जो इंडियन आइडल को चाहिए भी। वैसे तो गाइज मेरा मानना ये है कि सिंगिंग से ही काम नहीं चलता, आपको ओवरऑल अपना लुक और पर्सनैलिटी के ऊपर भी ध्यान देना होता है। दूसरा, आपको अगर आप एक कॉमेडियन हैं, थोड़ा कॉमेडी कर लेते हैं या थोड़ा एंटरटेन कर लेते हैं, या फिर आपके अंदर कुछ अलग यूनिक सा कुछ है तो वो भी आप उनको बता सकते हैं। वो आपके आवाज़ को रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सिंगर हैं और बहुत अच्छे डांसर भी हैं तो वो काम नहीं करेगा। आप सिंगर हैं, हो सकता है कि आप थोड़ी कॉमेडी भी कर लेते हैं, हो सकता है कि आप अपनी आवाज़ को डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ में आप सिंगिंग कर सकते हैं, या फिर आप एक शायर हैं, इस तरह की हो जो आपकी आवाज़ से ही रिलेटेड हो, वो टैलेंट आप उधर दिखा सकते हैं। बस आपको ये सोचना है कि भाई आप अपने आप को कैसे उधर प्रेजेंट करें, और सबसे अच्छा प्रेजेंट आपको करना है। सिंगिंग से ये पॉसिबल हो सकता है, आपकी सिंगिंग अच्छी है तो पॉसिबल हो सकता है, वहीं अगर आप उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो वो और लाजवाब लगता है और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इस तरह के रियलिटी शो में
जाने के। भाई बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, या फिर मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ सिंगिंग के लिए। ऐसी स्टोरी आप कमेंट्स में लिखते हैं और बताते हैं कि मैं आपको मौका दिला दूँ। देखो भाई, मेरा तो कोई भी दूर दूर तक इंडियन आइडल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऐसी स्टोरी है, और जो रियल है या फेक है वो मैटर नहीं करता, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी है तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी कोई शो स्टार्ट होता है या कोई कंटेस्टेंट शो के अंदर आता है, तो उसकी एक ऐसी स्टोरी होती है जो कि आपको शो को देखने पे मजबूर करती है। तो अगर आप एक ऐसी स्टोरी ला सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, हालांकि वो सही है गलत है वो मैटर नहीं करता, लेकिन उस स्टोरी में दम होना चाहिए, तो वो भी आपके चांसेस बढ़ा देती है इंडियन आइडल में जाने की। विनर बनना नहीं बनना वो अलग बात है, अगर आप टेलीविज़न स्क्रीन तक भी जाते हैं तो आपके लिए वो बहुत बड़ी बात होगी स्टार्टिंग में। उसके बाद आप और फॉर्म फिल करिए और धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करिए, आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जितनी भी अपडेट होंगी इंडियन आइडल से रिलेटेड, मैं सब आपको बताने की कोशिश करूंगा। वहीं सारेगामापा लिटिल चैंप के भी फॉर्म्स निकल चुके हैं, अगर आप वो भरना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।